गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा वल्केनाइजिंग ऑटोक्लेव आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए लाए हैं। ये एक्चुअली 4.5 मीटर डायमीटर और 7 मीटर लेंथ का ऑटोक्लेव है और स्पेशली वल्केनाइजिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वल्केनाइजिंग में रबर का सारे टाइप का वल्केनाइजिंग टैंक हो गया या केबल्स एंड वायर्स हो गए और जितने भी रबर प्रोडक्ट है जिसको वल्केनाइजिंग की स्टीम के साथ में जो वल्केनाइजिंग करते हैं, ये प्रोसेस हम इसमें कर सकते हैं। बराबर, ये ऑटोक्लेव में थोड़ा स्पेशल ये है कि कन्वेंशनल, ये पहला ऑटोक्लेव पहले जो यूज़ करते थे वो कन्वेंशनल थे सारे। बराबर, कन्वेंशनल और न्यू में खाली डिज़ाइन का फ़र्क इतना ही है कि पहले ये जो डोर का जो अरेंजमेंट है वो पूरा बोल्टिंग करके बंद किया जाता था। अभी आप इसको देख सकते हो कि इसमें हमने ये कुकरिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। बराबर, ये फीमेल पार्ट है और इसके साथ में ये मेल पार्ट है। बराबर, ये दोनों मैच करके इसमें ये पूरा डोर सील होता है। बराबर, इसका कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, बैक प्रेशर से लॉक किया जाता है। इसमें एक रबर का सील भी है, ये आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा दिखेगा कि ब्लैक कलर का ये रबर का सील है। बराबर, ये ढक्कन जो पूरा है उसका काफ़ी वेट है सर, 8 से 10 टन जितना वेट होगा पूरे ढक्कन का। तो ढक्कन यहाँ पे हम उसको हिंज से ला के हाइड्रोलिक सिलेंडर से बंद करते हैं इसको। मैं ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना इजी बंद होता है। इसको बंद करने के लिए हार्डली 2 मिनट का समय लगेगा। आप एक बार पूरा ऑपरेशन देख लेते हैं। तो पावर पैक स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द पावर पैक। ओके, ये थोड़ा मैन्युअली सेटअप ये अभी है, ये कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं है। नहीं तो हम पुश बटन और मैन्युअल कंट्रोल वाल पे करते हैं। ये अभी थोड़ा हमने मैन्युअली लोकली बना के रखा हुआ है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी इसको ढक्कन को बंद करते हैं। ये ढक्कन लेके थोड़ा, ये ढक्कन आ जाओ इसको। ये मशीनिंग किया हुआ चीज़ है सारा यहाँ पे, ये मतलब पीटीएल और सारे पे मतलब मशीनिंग करके काफ़ी कम टॉलरेंस में ये चीज़ बनाई जाती है। ये पूरा मतलब आपको इसलिए ये हाइड्रो टेस्ट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा आपको रस्टिंग दिख रहा है अंदर की साइड में। ये पूरा पानी भर के इसमें 15 kg प्रेशराइज किया था। बराबर, अभी ये ढक्कन का ऑपरेशन आपको थोड़ा दिखाते हैं। अभी आ रहा है अब ढक्कन बंद करने के लिए। आप तब तक एक ये इसके बेसिक सेडल्स के ऊपर थोड़ा मतलब ये कैसे रेस्टिंग किया दिया हुआ है ये थोड़ा आप यहाँ पे देख लेते हैं। ये ढक्कन भी आ रहा है अभी। हमने ये पूरा ढक्कन खोल दिया था। नॉर्मली ये 90 डिग्री खुलता है। अब ये अपनी जगह पे ये जा रहा है। ये अभी अपनी पोजीशन पे बैठ गया है। हम इसको हाइड्रोलिकली ऑपरेट करेंगे। लेटेस्ट फोकस हियर, ये कैसे लॉक होता है, इसके बटन के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ये पूरा जो मूवमेंट है वो हाइड्रोलिकली जाता है। बराबर, ये न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिलेंडर से ये पूरा ऑपरेट किया है। इसमें यहाँ पे तो हमने ये पावर पॉक सिलेंडर के साथ में कुछ मैकेनिकल लॉक भी दिया है। लॉक ये बंद हो गया, देखिए सर। Now he is, it is ready for take a pressure.
अभी ये 15 kg, 20 kg प्रेशर आराम से ले सकता है। ये पुराने और नए ऑटोक्लेव में यही अंतर है कि पुराना ऑटोक्लेव है उसको बंद करने के लिए 3-4 घंटे का टाइम लगता है बोल्टिंग के लिए, और ये बंद हो जाता है 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में, बराबर। ये इसका मैकेनिकल स्टॉपर है, इसको रोटेशन को कंट्रोल करता है, मतलब जैसे रोटेशन अप ओपन और क्लोज होता है उसको मैकेनिकली लॉक यहाँ से होता है ये, बराबर। और ये पूरा ढक्कन ये एक पूरी हिंज के ऊपर लगा हुआ है, बराबर। ये एक पूरा हिंज है जिसके इसका वेट बहुत है, 8 से 10 टन जितना वेट है। हम उसको कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं सर, अगर ढक्कन इन फ्यूचर हाइट डिस्टॉर्शन से या कुछ मैकेनिकली प्लस माइनस करना हो तो हम ये थ्रेडिंग सिस्टम से उसको डोर को अलाइन कर सकते हैं हाइट में, और दूसरा थोड़ा बहुत अलाइनमेंट करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं डोर की जो वर्टिकल पोजिशन है उसको लॉक करने से। ये हमारा कंपनी का लोगो यहाँ लगा हुआ है, अडानी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है कि किसी को कहीं लगा हुआ है तो उससे हमें रेफरेंस कस्टमर मिल सके। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो पूरे अरेंजमेंट के अंदर ये अभी सिर्फ ऑटोक्लेव है, इसके साथ में एक ट्रॉली भी लगता है जो मटेरियल हमें जो ट्रॉली थोड़ा कस्टमाइज रहेगा, जिस टाइप का मटेरियल लोड होता है उसके हिसाब से हम ट्रॉली बनाते हैं। तो ये बनेगी साइट पे जाके, ये स्पेशली टैंक के लिए बनाया हुआ है, कोई केबल्स एंड वायर के लिए भी बनाते हैं, कोई रबर पाइप्स के लिए भी बनाते हैं, कोई हाइड्रोलिक होस के लिए भी बनाते हैं। तो ये सारे चीज़ों में ट्रॉली का जो अरेंजमेंट है वो पर्टिकुलर ऐसा होता है कि जिस हिसाब से आपका बंच बनता है, जिस हिसाब से आपका मटेरियल रेडी होता है उसके हिसाब से इसमें हम ट्रॉली अरेंजमेंट देते हैं। ट्रॉली मैन्युअली और मोटराइज दोनों होती है, हमारी यूट्यूब चैनल में आप देखोगे तो आपको मैन्युअली और मोटराइज दोनों ट्रॉली मिल जाएगी, फिलहाल इसमें ट्रॉली नहीं है। इस चीज़ में स्पेशल इतना ही है बाकी ऑटोक्लेव से, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है 4.5 मीटर और इसका लेंथ है 7.5 मीटर। तो इस वीक यूज डायमीटर इन पोकरिंग टाइप अरेंजमेंट, दैट इज स्पेशल, बराबर। थैंक यू। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी चैनल में नीचे लिखिए, हम आपको रिवर्ट जरूर देंगे। थैंक यू।